नवरात्रि की धूम ये साथ ही गरबे में झूम रहे। तो वहीं हर साल की भांति इस साल भी पवई के जय भवानी मित्र मंडल में भक्ति के साथ कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जैसे कि हल्दी कुमकुम, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और बच्चों के लिए राइटिंग कॉम्पिटिशन और भी बहुत कुछ। हजारों की संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही, साथ ही गरबे पे लोग झूमते रहे जमकर। जय भवानी मित्र मंडल के आयोजक है संतोष कसले, अशोक गायकवाड़। इस मंच पर टीवी और फिल्म कलाकार के साथ साथ राजनेता भी दर्शन करने पहुंचे। जो नवरात्र उत्सव आयोजित किया है, मैं पहली बार यहाँ उपस्थित हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि एक अच्छा कार्यक्रम जिसमें लोग बड़े पैमाने पे उसमें शामिल है और माँ भवानी की आराधना कर रहे हैं, और इसका सब श्रेय हमारे मित्र संतोष कासले जी को जाता है। मैं फिर से एक बार सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि सबको सुख शांति दे और सब। मुझे बहुत खुशी हुई कि जय भवानी मित्र मंडल के माध्यम से मेरे दोस्त और हमारे कामगार कार्यकर्ता संतोष कासले जी और उनके सहयोगी काम करने वाले कार्यकर्ता, इनके माध्यम से जिस तरीके से अम्बा माते का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, एक विशेषता एक है, एक इसका उत्साह का प्रमाण बहुत अच्छा है। यहाँ एक अच्छे संस्कृति का दर्शन हो रहा है, परंपरा का दर्शन हो रहा है, और अम्बा माते जी के लिए जो चाहिए भजन कीर्तन और उनके जो जिस तरीके से अम्बा माता का उत्सव मनाना जाना चाहिए, वैसे पूरी तरीके से कोशिश यहाँ संतोष जी के माध्यम से की जा रही है। इस जय भवानी मित्र मंडल संतोष घासले और अशोक गायकवाड़ जी के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरा पहला दिन है कि मैंने नवरात्रि देखा है यहाँ पे, वरना इतने दिनों से मैं अपने शूटिंग में बिजी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया। माता जी की कृपा से उन्नति हो रही है मंडल में, मंडल के पदाधिकारी सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और भीड़ तो आप देख रहे हैं जो अपने कार्यक्रम में हो रही है, तो ये माता जी की कृपा है और अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। और शायद अगर आप हो तो देख ही रहे हो कि मैं शायद वो मन से लेके इधर तक सिर्फ दौड़ ही रहा हूँ, 2 मिनट उधर है फिर 2 मिनट इधर हूँ, यही हो रहा है मेरे साथ। लेकिन अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए, ये अच्छा इसके लिए लग रहा है कि इतने सेलिब्रिटीज़ आए हैं कार्यक्रम में, पॉलिटिशियंस आए हैं, तो पब्लिक भी बहुत अच्छा महसूस करी ये सब चीज़ों से। और सेलिब्रिटी के बारे में बोले तो लोगों को तो इस चीज़ का क्रेज होता ही है कि सेलिब्रिटी को देखा जाए, इनके अपनी फोटोग्राफी की जाए, तो वो सब हो रहा है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कर लेती हूँ अगर मुझे दिखता है तो, मतलब कहीं भी हो रहा होता है तो मुझे बड़े सौभाग्य, मुझे आप सच नहीं मानोगे, मुझे लास्ट ईयर ही मिलने वाला था, बट मेरे शेड्यूल की वजह से वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, वरना मेरी उनसे मुलाकात लास्ट ईयर ही हो जाती, लेकिन खैर देर से सही दुरुस्त आ गए, ऐसा मेरा मानना है। जय भवानी मित्र मंडल का जैसे मैंने सुना कि इनका आयोजन कुछ साल पहले बहुत छोटे इसमें होता था, अब देखिए आप उन्होंने कितना बढ़ाया है, और ये सब देखो जो भी संस्था बढ़ती है, जो भी प्रोग्राम बढ़ता है, उसके पीछे उसको जो ड्राइव करने वाला होता है, जो ड्राइवर होता है, वो सबसे बड़ा हाथ उनका होता है, वो जैसा ड्राइव करेगा वैसा उसका मंडल, उसकी संस्था आगे बढ़ेगी, और अच्छे ड्राइवर की संस्था अच्छे तरीके से बढ़ती है। देखो रोड पे भी अगर ड्राइवर अच्छा हो तो सफ़र अच्छा हो जाता है, उसी तरह किसी भी मंडल का है। संतोष जी जैसे कद्दावर लीडर है, उनके पास में मार्गदर्शक है, यूथ को वो अच्छे तरीके से समझते हैं, संभालते हैं, उनको अच्छी तरीके से दिशा दे रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। देखिए इतना बड़ा मंडल, इतना बड़ा उत्सव है, ये होती है। साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेंच ड्रेस कॉम्पिटिशन है, महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम समारंभ रखते हैं, या बच्चों के लिए राइटिंग कॉम्पिटिशन रखते हैं, ये सब कार्यक्रम होते रहते हैं। संतोष जी के लिए जितना बोलूँ उतना कम ही है, लास्ट ईयर से मैं आ रही हूँ यहाँ पे, और बहुत सारे मंडल में मैं जा चुकी हूँ, बट इनके इतना काम, जो ये 9 दिन यहाँ पे ठहर के जो काम कर रहे हैं सब भक्तजनों को लेके साथ में, सो सुपर ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये प्रोग्राम में आके भी बहुत अच्छा लग रहा है, और ये
बहुत बहुत खुशी हुई मुझे और इसके लिए लव्स ने कि हमारे कार्यक्रम में इतने सेलिब्रिटीज जो आ रहे हैं कंटिन्यू आ रहे हैं तो प्रोग्राम का क्रेज बढ़ता है, दर्शकों का उत्साह बढ़ता है ये सब चीज़ों से। और हम चाहेंगे कि हर साल ये इस तरह ही यहाँ पे इनकी उपस्थिति देती रहें, दर्शकों का उत्साह बढ़ाते रहें। ये इनका सच